मेरा अगला सवाल है सर, मेरे पास टाटा पावर के 950 शेयर्स है जो मैंने अराउंड 230 पे लिए थे। तो मैंने यही सोच के लिया था कि अभी ये शायद मल्टी बैगर हो सकता है, तो अभी भी इस पे बने रहे या होल्ड करूं या बेच दूं? मतलब रचना जी, चार्ट्स पे पता चलता है कि ये मल्टी बैगर बन जाएगा क्या कल का? और अभी क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स पे? टेक्निकली कोई सलाह कहीं से ली या आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन इनकी एंट्री जो है वो अच्छी लेवल पे है। जहां तक मल्टी बैगर बनने की बात है, बन सकता है, लेकिन नॉट बिफोर इट गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ पेन। तो यहाँ पे भी सिचुएशन यही है, और डाउन साइड पे इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बनता है वो 210 के करीब बनता है। तो 210 पे अगर एसएल लगा के बने रहने का इरादा ये बना सकते हैं ओवर अ लॉन्गर टर्म, नॉट मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म, तो मोर देन वन वन एंड हाफ ईयर्स के हिसाब से अगर पोजिशन कैरी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। हायर टाइम फ्रेम पे इट इज लुकिंग गुड। आनंदिता मैम, आपका अगला सवाल IRFC के बाद। सर नहीं, एक्चुअली मैं आईएससी पे और एक सवाल भी है कि डिविडेंड आने वाला है उसमें, तो हाँ सर कहाँ तक, कितना तक आएगा, कुछ आइडिया? भाई रचना जी, जवाब दीजिए, कितना डिविडेंड आएगा? इस चीज का सॉरी नहीं, ये अबाउट। कहना मुश्किल है मैम, अभी डिविडेंड आने वाला है तो ठीक है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कितना आएगा। हिस्टोरिकली क्या आता है वो देखता हूँ मैं। 70 पैसा, 80 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा, 60 पैसा आ जाएगा, पता नहीं। हिस्ट्री कह रही है पिछले 3 डिविडेंड 60, 70, 80 पैसे के, पर पता नहीं यहाँ अब। पे कितने दिनों तक रुकने का सोच सकती हूँ मैं? भाई कब तक रुके IRFC में मैम? जी IRFC में इनको जो नजरिया है वो कम से कम 1 ईयर प्लस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पेन है और सपोर्ट थोड़ा दूर है, एज आई सेड 60 के आसपास सपोर्ट है, तो 1 साल से ज्यादा का नजरिया हो तो ही बने रहे। 1 साल तक होल्ड कर सकते हो तो बनो आप, नहीं तो लॉस बुक करके निकलने का मन बनाओ। नीतू मैम, पूजा मैम, आनंदिता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रचना जी, सारी क्वेरीज ब्यूटीफुली सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद।